चलता है, जिस मोड पे आपका हम जब प्रैक्टिकल काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जिस मोड पे हम इसको लगा सकते हैं उस मोड पे इसको निकाल भी सकते हैं और उस मोड पे इस पर हीट को भी हीट भी दे सकते हैं। बस ये होता है कि हमें ध्यान रखना होता है, हमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि कहीं हम जब इसको हीट दे रहे हैं तो इसकी जो आसपास की लगे हुई जो बॉले हैं ये बॉले आपकी आपस में सटे ना और साथ में ये जो लगे हुए रजिस्टर ये उड़े ना, बस और कुछ नहीं। अब देखिए मैं इसको जैसे यहाँ लगा रहा हूँ, ये किस लिए लगाते हैं बता सकते हो आप? ये क्यों होता है, इसको लगाने का मतलब क्या है? हिलेना और ये दबे ना। अगर ये जैसे अगर ये हमारा ये बीच में अगर जैसे दब गया ना तो क्या होगा कि जब ये हीट हम जब ऐसे मारेंगे ना इस पर तो ये बोर्ड क्या होगा बैंड हो जाएगा। ये जिस जगह पे प्रॉपर हीट जाती रहेगी वो जगह क्या होगा बैंड हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए जैसे इसको यहाँ पे हम सेट करते हैं नीचे, ये नीचे से इसको सपोर्ट है, सपोर्ट करता है ये देखो, ये ऊपर से बोर्ड को ना नीचे दबने नहीं देगा, बोर्ड जो है ना हिट से और दबने नहीं देगा। अभी देखो ठीक है, आ गया बिल्कुल सेंटर में। हाँ डाला, और इसके बाद क्या करना है हमें? ऑन कर देना है। अब ये देखो यहाँ पे ये पकड़ चालू हो गया, ये अपने आप जब पूरा होगा उसमें हमें ये देख देगा। ठीक है, मगर हम उससे पहले भी क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चिप पे ध्यान रखे रहते हैं, जैसे ये रखा हुआ ना ये लाइट या किसी टॉर्च वगैरह से लाइट भी आती है। ठीक है, उन लाइटों से ध्यान रखे हो। ये देखो ये नीचे में जो यहाँ से चिपकी हुई बॉल नज़र आ रही है, बॉल नज़र आ रही है ना, वो बॉल क्या होगी ना चमकने लगेगी, ज़्यादा खूब चमकने लगेगी। उस समय क्या करना है आपको, ये ट्यूज़र पकड़ो, ऐसी पतली ट्यूज़र लेनी है आपको। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, ये देखो ऐसे करके हल्का नॉर्मल सा टच करना है, अगर टच करने से ये हिल रहा है मतलब ये पूरी बॉल मेल्ट हो चुकी है और हम इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर उठाओ और ऐसे आराम से बिल्कुल एक साइड से दूसरे एक ट्यूज़र और इस साइड से इस ट्यूज़र को लेके उठा लो। हालांकि इसके लिए वैकम भी आती है, एक वैकम आती है, वो क्या होता है उसको आप ऐसे निकालो और चिप को उठा के चिप के ऊपर डाल दो। मगर उसमें क्या होता है ना कि हमारा हाथ तो किसी भी चीज़ को महसूस कर सकता है ना, मगर वैकम तो नहीं करेगी ना, उसका काम उखाड़ने में तुरंत उखाड़ देंगे, बेचारे नीचे से उसका अगर एक दो ट्रैक भी लगा होगा तो उसको भी लेके आ जाएगा। इसलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको हल्का से हिलाओ और ऐसे ये जो चीज़ है ना इसको बस ऐसे पकड़ कर हल्का से हिला लो। अभी नहीं हिल रहा क्योंकि बॉल इसकी मेल्ट हुई है अभी, कितनी अभी अभी इसका जो स्टेप दो ही चला है, जबकि ये कहाँ तक जाएगा पांचवा स्टेप तक जाएगा और इसकी टेम्परेचर कहाँ तक जाएगी 270 डिग्री काम करेगा, डिग्री पे काम करेगा। इस चीज़ होती है चाहे कोई भी मशीन हो, काम करने का तरीका यही होता है, चाहे आप 3 PLC की मशीन ले लो, चाहे एक पंटोन की मशीन आती है 20-20 लाख रुपये की मशीन आती है, काम करने का तरीका यही होता है। और इसमें निकालना वीजे का काम बस यही होता है कि हमारे चिप को निकालना और लगाना, इसमें इतना काम होता है, बाद बाकी काम हमारा उसका होता है। इस चिप पे बॉल बिठाना सबसे बड़ा काम होता है, हम चिप पे बॉल कैसे बिठाते हैं
ये हमारा सबसे बड़ा काम होता है। जितना अच्छा हम बॉल बिठा सकते हैं, जितना अच्छा बॉल को हम चिप पे चिपका लेंगे, उतना लॉन्ग लास्टिंग चिप की वैलिडिटी जो है ना, लंबा चलेगा वो चिप, उतना ज़्यादा लंबा चलेगा। ऊपर हिल गई ना, अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, इसको स्टॉप कर दो, और एक साइड से ट्यूजर को रखो, हड़बड़ाना नहीं है, पकड़ो और आराम से इसको उठा के निकल गए। देखो कहीं ट्रैक निकला हुआ नजर आ रहा है ना, बिल्कुल साफ साफ निकला है ना। बस अभी इसको हम चलते रहने के, ये कूलिंग कर रहा है इसको, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे, इसको चिप को बॉल बनाएंगे, चिप पे हम चिप पे ना बॉल को लगाएंगे। अभी बहुत हीट है सर, एक मोटी वाली आयरन चाहिए। क्या चीज़? बड़ी वाली आयरन चाहिए, मोटी आयरन ले आना वहाँ से, दो तीन आयरन जो है। फ्लोटिंग वाला तो मैंने 8-10 लाख के रख दिया यहाँ पे। ये इसके लिए पेस्ट होता है, या पेस्ट मिनिमम 1000 रुपये का पेस्ट होता है, ये वीजे का ही पेस्ट होता है सर, ठीक है। ये वीजे चिप के लिए काम करने के लिए होता है सर। इसको कहते हैं स्टेंसिल्स, ये स्टेंसिल होता है, ये इसके मॉडल के, चिप के मॉडल के हिसाब से होता है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, अब इस चिप के मॉडल के हिसाब से आपको स्टेंसिल कैसे ढूंढनी है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, NH82801ZBM, ठीक है। तो आपको खोजना क्या है, ZBM चिप के स्टेंसिल खोजनी है। अब आप इसमें से ZBM, आप अगर मार्केट में जाओगे बोलोगे सर इसके स्टेंसिल दिए, तो आपको क्या बोलना है, ZBM के स्टेंसिल चाहिए। अब ये देखो ZBM के स्टेंसिल कौन सी है, ये रहा ZBM लिखा हुआ है, 82801ZBM है ना लिखा हुआ। यस सर। और ये 0.6 का है, ये इसकी बॉल की साइज है, जो हम इसमें बॉल लगाने वाले हैं वो बॉल की साइज है सर। बॉल भी उसी में है, ऊपर वाले कितना सारा कुछ ये है ना 0.6, मतलब इसमें कौन सी बॉल लगेगी, 0.6 की बॉल लगेगी। स्टेंसिल में इसका पूरा डिटेल मिल गया आपको, 0.6 की बोल रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं कि अब मुझे कौन सी साइज की बोल लगानी है। इसको इसको कहते हैं स्टेंसिल होल्डर, ठीक है। ये पूरा कह जाता है स्टेंसिल होल्डर। इसको निकालता हूँ, पहले हम क्या करेंगे कि इस स्टेंसिल को इसमें बिठा लेंगे। ये इसमें दूसरा चिप का लगा हुआ है, इसमें कौन सा है, MVM का लगा हुआ है ना, उस चिप में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे उस जो MVM पर, हाँ वहाँ पे MVM लिखा हुआ था, उस चिप में वो MVM चिप होती है। बॉल की साइज जो भी होती है वो सारा आपके स्टेंसिल को डिटेल मिल जाता है, आपको और कहीं से खोजने की जरूरत नहीं है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो स्टेंसिल है ना, स्टेंसिल को साफ रखना है आपको,
ये चिपचिपा नहीं करना है, मतलब ये पेस्ट लग जाता है तो चिपचिपा हो जाता है ना, ये इसको चिपचिपा नहीं करना है। अगर चिपचिपा हो जाएगा तो क्या होगा, बॉले जो है स्टेंसिल में चिपके रहेंगे, फिर आपकी चिप्पे नहीं चिपक पाएंगे। अगर वो चिप्पे चिपकती भी है तो बॉले क्या होगी, आपस में सट जाएंगी ज़्यादा या उधर उधर हो जाएगी, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमेशा स्टेंसिल होल्डर और स्टेंसिल को साफ रखना, काम करने के बाद में इसको साफ कर देना है हमेशा लगेना। मैं एक बार लग चुका है मेरी नाक पे, हो रहा है गर्म। अरे मोबाइल का वो लगा रहा था माइक, सुन रहा हूँ आयरन नाक पे टच हो गया, मजा आया। हाँ तुम्हारे भी तो लगा था उसमें, मजा आया तो निशान दिखाऊँ क्या, बोलो बोलो आयरन। सारा बिल्कुल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस हिसाब का साफ करना, साफ ही नहीं पूरा साफ करना है, हल्का नहीं। आराम से हाथ में आ जाएगा, नहीं तो देख रहे कितना टेढ़ा हो गया। पेस्ट बहुत महंगे पेस्ट है, ब्रश और आईपी का। आईपी हो रहा कौन सा, वाइट वाला? ब्रश दे देना, फोन बंद कर देना, बंद कर दो। नहीं ये पेस्ट से ही हो रहा है, क्लीन हो गया। अब इसको हम साफ करेंगे, गौरव थोड़ा कैंची ला भाई, उस पर चले जाओ वहाँ पर उस अलमारी में, देखो खोलो उस अलमारी को सबसे लास्ट वाला, देखो नीचे कहीं कैंची है। तो इसको डिसोल्डिंग वायर से साफ करेंगे।